बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हर्बलिस्ट की मोहम्मद मोइन, आप देख रहे हैं सूफी अबाद दुआखाना यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं नए आने वाले मेहमानों से गुजारिश करता हूं कि वो सूफी अबाद दुआखाना को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। आज मैं उन अफराद के लिए बहुत ही अच्छा अर्क आहक लेके आया हूँ जो बहुत ही बआसानी तरीक़ा से आप खुद घर में तैयार करेंगे और इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं अगर आपके जिस्म में खून की कमी है या आपका नया खून पैदा नहीं होता, और ऐसे अफराद जिनको भूख बिल्कुल भी नहीं लगती और उसके साथ साथ उनकी सेहत भी नहीं बनती, वज़न नहीं बढ़ता, और ऐसी औरतें जिनको कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा रहती है उनके लिए भी ये बहुत मुफीद है। और ख़ास तौर पर बच्चों की हर मर्ज़ के साथ साथ आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप अपने किसी भी पोशीदा मिराज के बारे में मुझसे फ्री मशवरा चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें, इंस्टाग्राम का लिंक आपको ऊपर स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो चलें अर्के आहक बनाने के लिए आप ये नुस्खा नोट फरमा लें। सबसे पहले आपको चाहिए अर्क अजवैन, अर्क अजवैन ले लें या अर्क गुलाब ले लें, आपकी वो अपनी मर्जी है। आपको 800 ml की ये बोतल चाहिए अर्क अजवैन की, और उसके साथ आपको चाहिए पथरी फलाद, ये आपको 2 तोला चाहिए पथरी फलाद। और इसमें आपने जो तीसरी चीज़ शामिल करनी है वो है कतरे, आपको चाहिए 60 अदद नेक्स अवेमिका के। नेक्स अवेमिका आपको किसी भी होम्योपैथी स्टोर से मिल जाएगी, इसके 60 अदद आपको कतरे चाहिए। और उसके साथ आपको चाहिए अल्फाल्फा टेंचर, अल्फाल्फा टेंचर भी, ये भी आपको होम्योपैथी स्टोर से मिलेगा, इसके भी आपको 60 कतरे ही आपने इस्तेमाल करने हैं। ये भी आप अद्वियात नोट फरमा लें, इसको बनाने का तरीका मैं आपको अभी बताता हूँ। और इसमें जो लास्ट चीज़ आपने शामिल करनी है अनबुजा चूना, अनबुज चूना ये आपने 1 तोला डालना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अनबुज जो चूना होगा वो आपने किसी भी खुले मुँह वाले बर्तन में डालकर उसमें आपने जो अर्के अजवैन या अर्के गुलाब है आपके पास आपने उसमें डाल देना है, और 2 दिन के बाद आपने इसको अच्छी तरह से नितार कर अलहदा कर लेना है, और आप इसको किसी भी बोतल में महफूज कर लें। और उसके बाद आप इसमें पतरी फलाद डालें और 60 कतरे आपने शामिल करने हैं नेक्स अवेमिका के, और उसके साथ आपने शामिल करना है टेंचर अल्फाल्फा, इसके भी आपने 60 कतरे ही डालने हैं, और बोतल को आप हिलाते जाएँ तो आपका जो मरकब है जनरल टॉनिक ये अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। इसके इस्तेमाल से ही इसका शानदार किस्म का रिजल्ट आपको मिलेगा जो मैंने आपको फ़ायदे बताए हैं। ये मुकम्मल तौर पर जिगर और मैदे की असलाह भी करेगा, और उसके साथ साथ जिनके पिचके गाल हैं जिन अफराद के उनके सेहत भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। तो आप ऐसा करें कि इस नुस्खा को आप बहुत ही बआसानी तरीक़ा से घर में बनाएँ। तो ये अर्के आहक बहुत ही अच्छे फ़ायदे के साथ मैंने आपको बताया है। अल्लाह पाक तमाम बहन भाइयों को और बच्चों को शिफा अता फरमाए, सलामत रहें, आबाद रहें, फी अमान अल्लाह।